हेलो दोस्तों, वेलकम बैक बाय करम जी के दोस्तों चैनल पर आपका फिर से वेलकम है, स्वागत है। तो भैया ये जो कलर है ना, ये तो यार एक मिस्त्री मैकेनिक ने कहा भैया कि वाह हुआ है, वाह देखो वाह वाह वाह। तो ये कहीं नहीं यार कि जो है इसका एक भाई से सबसे पहले हम बता दें वीडियो क्यों बना रहे हैं। एक भाई की कमेंट साइथिक भाई की पर्पल कलर चिप डिलक्स की वीडियो बना दीजिए, ऑनरोड प्राइस फुल रिव्यू कर दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, तो आके वो मैकेनिक से बोले तो उनसे कहा भैया निकाल दो ये कलर और इसका वीडियो बनाना है। तो बोल रहे भैया यार ये कलर कौन खरीदता है, तो ये सबसे जो है अजीब कलर है, यानी सबसे कम बिकने वाला है, लेकिन ये कलर जो है सबसे अलग है। इसकी कलर की स्प्लेंडर भी आती है, मैं उसकी भी वीडियो लेकर आ रहा हूँ, लेकिन मुझे जब पसंद है भाई, कोई इसको बुराई करे या नहीं मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये बाइक सबसे बेस्ट है, हमें अच्छी लगती है, कलर भी बढ़िया है, तड़कता भड़कता भी कलर नहीं है। बाकी इंजन आप देख लीजिए, इसका जो है इंजन तो HF डिलक्स सेल्फ स्टार्ट वाली टॉप मॉडल है और इसमें ट्यूबलेस टायर अभी नहीं आया है, तो ट्यूब वाले टायर मिल रहा है जो कि 2.75-18 का साइज़ है। और यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, IBS ब्रेकिंग, ड्रम ब्रेक आपको मिल रहा है, 4 गियर आपको मिलता है जो कि पीछे ही 4 गियर आपको लगाने हैं, पावर स्टार्ट वाली है, सेल्फ वाली है और यह 5 फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है, ठीक है। तो फाइबर का चेन कवर आपको यहाँ पर मिल रहा है, 2 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक अब्सॉर्बर, HF डिलक्स की ब्रांडिंग और एक नया स्टिकर आपको मिल ही रहा है। टैंक पर आप देखेंगे तो भी आपको एक कुछ अलग दिखेगा और सामने से आप देखेंगे तो स्प्लेंडर से इसका जो इंडिकेटर वो मुझे अच्छा है, क्योंकि स्प्लेंडर में येलो कलर में दिखता है, पीला कलर में, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं यहाँ पर ये, और इसमें आपको ये कलर मिलता है तो ये काफ़ी अच्छा है। बाकी लाइट जो है 3500 के हेलोजन बल्ब आपको मिलता है, नया स्टिकर और 3D का H का लोगो आपको मिलता है, पासिंग सिस्टम आपको नहीं मिल रहा है, हाइलोबिन और इसका कंसोल भैया देख लीजिए, तो कंसोल आपको सेम ही सेम मिल रहा है, वो साइड स्टैंड, FI लाइट और पासिंग न्यूट्रल, चाबी यहाँ लगेगी, इग्निशन स्विच और टर्न सिग्नल का यहाँ पर, हॉर्न वारन सिस्टम आप सब देख सकते हैं, सेल्फ स्टार्ट है तो ब्रेक दिया है, IPS होता तो या रेड होता, 9.8 लीटर पेट्रोल भी आ जाएगा इस बाइक में। और सीट आप देखोगे तो कितनी बढ़िया लंबी सीट है यार, पता नहीं कहाँ इसकी बुराई कर रहे हो। और इंजन भी जो है 97.2 cc, यानी 97 cc जो है इसका इंजन है, और साइड स्टैंड का इसमें सेंसर भी आपको मिल जाता है, कितना बेस्ट सिस्टम है। 4 गियर आपको मिलता है जो कि पीछे ही आपको 4 गियर लगाने हैं। एवरेज की अगर हम बात करें तो एक कस्टमर की भैया फीडबैक आई थी जो कि हमारे गाँव से वो बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाई ये जो बाइक है यानी कि वो किक वाली ली है, ये सेल्फ है, तो किक वाली वो कह रहे भैया कि 70 और 75 का एवरेज दे रही है, तो वाकई में मुझे यकीन नहीं है, लेकिन अगर आप लोग में से जिनके भी पास ये बाइक है, जिनके रिलेटिव रिश्तेदार के पास है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो उन्होंने कहा है 70-75 एवरेज किक वाली देती है, तो सेल्फ का हम मान लें 70, तो 70 का एवरेज क्या ये रियल में वाकई में सच में देगी कि नहीं देगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी हीरो की ब्रांडिंग भी आपको पीछे मिल जाती है और बाइक जो है काफ़ी बेस्ट है, बाइक में तो मैं कोई कमी नहीं बताऊंगा। बाकी फाइबर चेन कवर भी आपको मिलता है, ऑल जो है बाइक बिल्कुल शानदार है, बेहतर है, माइलेज तो मेरे ख्याल से दे सकती है, 100% दे सकता है क्योंकि 97 cc इंजन है। और उसके बाद कुछ जो है इसके जो फीचर्स हैं इंटरनल वो सबसे बेस्ट है, जो कि इसमें फ्यूल इंजेक्टर जो दिया है, तो वाकई में ये BS4 के मुकाबले आपको 7-8 किलोमीटर ज़्यादा ही एवरेज देगी ये बाइक, ये चीज़ बिल्कुल सच है दोस्तों। बाकी इसके जो चेचिस है कम्यूटर की सेगमेंट में सबसे बेस्ट चेचिस है, क्योंकि ये रिलायबल है तो ये एवरेज वाकई में देगी, और मजबूती के सेगमेंट में देखा जाए तो कम्यूटर बाइक में मजबूती ये नंबर एक है दोस्तों, मजबूती में भी ये बाइक सबसे बेस्ट मानी जाती है। और पीछे का भी टायर आपको वही ट्यूब वाले ही टायर मिलते हैं जो कि 3.00-18 का आपको मिल जाता है, बाकी 2.75-18 का ही है, किसी किसी में 3.00-18 था लेकिन इसमें 2.75-18 का ही मिल जाता है। तो डबल स्टैंड भी आपको मिलता है और फ्लेक्सिबल जो है फुटरेस्ट आपको मिल रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर इस तरीके से मोड़ भी जाता है और काफ़ी शानदार बाइक है। तो सबसे पहले हम इसकी ऑन रोड प्राइस की अगर बात कर लेते हैं तो ऑन रोड प्राइस जो इसकी है दोस्तों वो 75,000 रुपये ऑन रोड प्राइस है, 75,000 यानी 75,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है दोस्तों। तो बाइक में तो मेरे ख्याल से यार कोई कमी नहीं है, बाइक काफ़ी अच्छी भी है, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि जो कलर है ये आपको अच्छा है कि नहीं लगता, और ये पसंद भी है कि नहीं, और ये कलर कितने लोगों ने ख़रीदा है या ख़रीदने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि HF डिलक्स में जो ये ग्रिप आती है यानी कि जो ये टायर आते हैं इसका जो कटिंग है ये कभी स्लिप नहीं करता, ये सबसे खास बात है। लेकिन आप वहीं स्प्लेंडर में अगर आप देखेंगे, देख लीजिए आप स्प्लेंडर है ये, तो इसमें आप देखेंगे बिल्कुल एक खड़ा खड़ा ये स्लिप करता है ब्रेक मारने से, ये अगर कट रहेगा तो ये स्लिप बहुत कम करेगी बाइक, ये सबसे खास बात है इसमें। इसमें आप देखेंगे तो ये तरीके से कटिंग दिया गया है जो कि स्लिप नहीं करेगी। तो बाइक की जो है माइलेज जो है वो 75-75 है और जो ऑन रोड प्राइस है वो 75,000 ऑन रोड प्राइस है। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें।